सवाल ये है, क्या विराट कोहली बाबर आजम के लिए कोई ट्वीट करेंगे? क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर इस ट्वीट को दोबारा से रीट्वीट किया जा रहा है, रीपोस्ट किया जा रहा है, जो बाबर आजम ने किया था विराट कोहली के लिए, दिस टू शेल पास स्टे स्ट्रॉन्ग, जिसपे विराट कोहली ने रिप्लाई भी किया था। क्या विराट कोहली अब बाबर आजम के लिए ये ट्वीट कर पाएंगे? क्योंकि बाबर आजम पे भी एक तरीके से 2023 बहुत ही बुरा चल रहा है, और टेस्ट मैचेस के अंदर तो बहुत बुरा चल रहा है, और हमें इस टाइम के ऊपर उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़े सारे इश्यूज लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाबर की फिटनेस का इश्यू है, बाबर ने अपनी फिटनेस को मेंटेन नहीं किया हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं बाबर को रेस्ट करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम जो कहते हैं ना प्रेशर, बड़ा डिसअपॉइंट हो चुके हैं, कैप्टनसी उनको नहीं मिली तो इस वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। लेकिन असल वजह क्या है जो बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका हुआ है। खैर, ये इस पे तो बाद में बात करेंगे एंड के ऊपर, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट टेस्ट मैच डे टू। स्टंप हो चुका हुआ है साउथ अफ्रीका की पोजीशन बड़ी ही अच्छी नजर आ रही है। साउथ अफ्रीका ने जहां पे 50 60 70 रन की लीड लगा दी, तो फिर लग पता जाना है इंडिया को, क्योंकि ये जो लीड होती है, जितनी लीड होती है उतना फायदा होता है दूसरी टीम को। ऐसा लग रहा है कि जैसे पिच चेंज हो गया हो। इंडिया की बारी में जब इंडिया बैटिंग कर रहा था, रबादा का बॉल इंडियन बल्लेबाजों को समझ नहीं लग रहा था, लेकिन फिर बॉलर्स की क्वालिटी होती है ना, उन्होंने सही लाइन और लेंथ के ऊपर हिट किया। इंडियन बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, विकेट टू विकेट की, एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं ना बाहर फजूल बॉलिंग नहीं की शुरू के अंदर। लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका ने क्या खासियत दिखाई, साउथ अफ्रीका ने गलत शॉट नहीं खेली। एडन मार्करन को बड़ा अच्छा सिराज ने आउट किया, उसके बाद बुमराह ने विकेट निकाली टोनी डिजोर्जी की, फिर बुमराह ने बैक टू बैक एक और विकेट निकाली, फिर सिराज ने आके एक बड़ी बड़ी पार्टनरशिप वेडिन को उसने आउट किया, वेडिन कह रहा बैटिंगम को उसने आउट किया, 50 कर चुके हुए थे वो भी बड़ा शौक थे। फिर जिसको कहते हैं प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट निकाली, तो इंडिया ने विकेट तो निकाली है, बट एक बंदा जो वॉल बन के खड़ा हो गया था, रीड की हड्डी बना रहा है इस टीम की, जो कि एक्टिंग कैप्टन भी इस वक्त टीम का मौजूद है, मैं बात कर रहा हूं वो बंदा जो अपने होम ग्राउंड के अंदर पहली दफा सेंचुरी स्कोर की है, डीन एल्गर ने इंडियन बल्लेबाजों को सिखाया कि इस पिच के ऊपर कैसे बैटिंग करते हैं। कोई लूज बॉल उसने मिस नहीं किया, और उसकी सेंचुरी अगर आप देखेंगे तो स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, बाउंड्रीज भी अच्छी है, और बड़े अच्छे तरीके से उसने सिंगल हैंडली सेंचुरी को उसने लेके गया अपनी टीम के लिए, मजबूत पोजीशन खड़ी की। और इसी के साथ साथ जो दूसरे एक बल्लेबाज थे, उन्होंने भी बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई। यही तो मैं कह रहा था, अगर रोहित शर्मा स्टार्टिंग के अंदर गलत बॉल के ऊपर आउट ना हुए तो, गलत शॉट खेल के आउट ना हुए तो यही इंडिया का भी हाल होना था। इंडिया ने भी अच्छी बल्लेबाजी करनी थी, लेकिन इंडिया के ज्यादातर बल्लेबाज गलत शॉट्स के ऊपर आउट हुए हैं, तो ये बड़ी चीज मैटर करती है। और मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मैं इंडियन बॉलिंग से ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रहा था, लेकिन इंडियन बॉलिंग ने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया। इंडिया की वो बॉलिंग नजर नहीं है जो करनी चाहिए थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि डीन एल्गर ने शानदार किस्म की बल्लेबाजी की है, उसको एप्रिसिएशन करनी चाहिए इस टेस्ट मैच के अंदर। इंडिया कह रहा हूं साउथ अफ्रीका की तरफ से फाइफर भी आ गया पहली इनिंग्स के अंदर ही, सेंचुरी भी आ गई है, बड़ी सेंचुरी आ गई है। अब साउथ अफ्रीका की पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती नजर आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे पिच आके जाएगा वैसे मुश्किलात भी बढ़ेंगी। रोहित शर्मा 36वें ओवर के अंदर अश्विन को लेकर है, यहाँ पे जो नथन लियोन है ऑस्ट्रेलिया का, वो शुरू में ही आ जाता होता है बॉलिंग करने, तो ये बड़ी चीज मैटर करती होती है। लेकिन अब देखना यह है कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका स्ट्रेस मैच को जीतेगा, फेवरेट साउथ अफ्रीका हो चुका हुआ है, और इंडिया किस तरीके से स्ट्रेस मैच को बचाएगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ी मैटर करती है, सारी की सारी चीजें देखना जरूरी है। खैर, अभी के लिए आज अगर पोजीशन की बात करें तो साउथ अफ्रीका बड़ी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। मैं ये समझता हूं कि डीन एल्गर ही डिफरेंस है। आप एक चीज को देखिए, विराट कोहली का भी कैच छूटा था, श्रेयस अय्यर का भी छूटा था, इनको चाहिए था उस पॉइंट के ऊपर इनिंग्स को लंबा लेकर चले जाते, बड़ी इनिंग्स खेल जाते। लेकिन अगर आप देखें डीन एल्गर की इनिंग्स को, उसने बड़े कंट्रोल में रह के खेला है, उसने कोई अन्यवा नहीं खेला, कोई गलत शॉट नहीं खेली, बड़े तरीके से खेला। और मैं ये नहीं कह रहा बॉलर्स ने सही बॉलिंग नहीं की, बॉलर्स ने सही लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है, लेकिन स्ट्रगल की है। वो जिसको कहते हैं ना थोड़ी पेस में भी कमी दिखाई दी है, 140 क्लिक नहीं कर रहा था थोड़ी, जिसको कहते हैं ना जब एक पॉइंट के ऊपर लग गई थी, क्या आप कह सकते हैं कि मतलब पार्टनरशिप लग गई थी, तो फिर लक यूज की जा रही थी, विराट कोहली बेल्स को चेंज कर रहे थे, बड़ी कोशिश की गई, तो उसके बाद आउट भी वैसे हो गया था। लेकिन वो वाली जो इंडियन बॉलिंग में एग्रेशन था ना, वो मिसिंग नजर आ रहा था।
वो एग्रेशन और पेस की थोड़ी कमी नजर आई जो मुझे पाकिस्तानी बॉलर्स में नजर आई थी। पाकिस्तानी बॉलर्स भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पेस के साथ बॉलिंग नहीं कर रहे, और सिमिलरली साउथ अफ्रीका के बॉलर्स भी, साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, इंडिया के बॉलर भी पेस के साथ बॉलिंग नहीं कर रहे। तो ये चीज बड़ी मैटर करती है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिराज और बुमराह की मैंने पेस पूरे जिसको कहते हैं ना हर बॉल देखी है, तो इनकी ज्यादातर जो पेस है वो एवरेज इनकी 132-133 चल रही है बॉलिंग की। बट सबसे मेन चीज ये कि साउथ अफ्रीका कितने रन बना के जाएगा, अब ये देखना बड़ा जरूरी है। आज के दिन के अंदर केएल राहुल ने भी सेंचुरी मारी, फिर वो आउट हो गए। मैं समझता हूँ कि उनको ज्यादा लंबे रन कर जाने चाहिए थे, वो कर भी सकते थे, उनको करने भी चाहिए थे। बट खैर ये तो दिन हो गया, पाकिस्तान का भी दिन आज के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ा अच्छा रहा था। स्टेबल पोजीशन तो नहीं है खैर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि रिजवान जो है वो अच्छे खासे रन कर जाए कल आके, और पाकिस्तान की बचत हो जाए। पाकिस्तान के 6 आउट हैं, अब यहां से पाकिस्तान कहां तक लेके जाता है 194 के ऊपर ये देखना बाकी। अगर पाकिस्तान 250 भी कर लेता तो पीछे 68 रन की लीड रहती है, तो पाकिस्तान को कुछ भी करके लीड को उतारना है पहले, तो फिर ही जिसको कहता है ना कुछ हो सकता है। 134 पे एक आउट था, उसके बाद कैसे पाकिस्तान की लाइन लगी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो दोनों दिन, दोनों मैचेस आज के लिहाज से देखा जाए तो बड़ी जिसको कहते हैं ना बुरे तरीके से रहे हैं। इसी के साथ साथ बात करें, क्या विराट कोहली बाबर आजम को ट्वीट करेगा? देखिए मैं तो समझता हूँ कि फिलहाल तो जरूरत नहीं है, जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज चला रहे हैं उनको सोचना चाहिए, अभी जरूरत नहीं। इतना भी बुरा टाइम नहीं है हमारे बाबर के ऊपर, 1 साल ही तो हुआ टेस्ट का बुरा, विराट कोहली के तो 2 से 3 साल हो गए थे सेंचुरी नहीं आ रही थी, लेकिन बाबर के अभी ये पहला साल ही है। और इतनी जल्दी कितनी कहते हैं ना निराश नहीं होना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबर आखिरी इनिंग्स जो खेलेगा इस साल की उसके अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। बट आई स्टिल बिलीव के बाबर आजम को थोड़ा तवज्जा देनी पड़नी, बाबर थोड़े लेजी हुए हैं, बाबर को थोड़ी तवज्जा देनी पड़नी, और मेंटली जिसको कहते हैं ना जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल दे किसी की जिसके ऊपर भी है, फ्रेश होके रिलैक्स होके खेले। बाबर में वो बाबर वाला चार्म नजर नहीं आ रहा, बाबर जब तक आते साथ चौके छक्के चौके ना मारे बाबर को सुकून नहीं आता। तो बाबर को चाहिए कि रोकने के बजाय आते साथ ही अटैक करे, अटैक करे अपने आप को, जैसे कहते हैं जब एक पोजीशन नजर आ जाए कि हाँ अब मेरे रन सही हो गए, उसके बाद अपनी क्लास दिखाना शुरू करे। बाबर आजम बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, और पैट कमिंग्स क्या है? कुछ भी नहीं है, आप बाबर हो वो पैट कमिंग्स है, आप किसी भी बॉलर को कुछ भी कर सकते हो, आपने डेल स्टेन का बुरा हाल कर दिया था तो पैट कमिंग्स क्या है? तो यही कॉन्फिडेंस के साथ बाबर आजम को जाना चाहिए, और बाबर कर देगा, बाबर को करना भी पड़ेगा। बाकी बाबर को मैं इस चीज पर बड़ा ध्यान दूंगा कि बाबर को फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है इस चीज की, मैंने खुद नोट किया है, बाकी मैं लोगों की नहीं सुनता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि बाबर को फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए, जैसे विराट कोहली अभी तक 36 साल के हो गए हैं, उनका पेट नहीं निकला अभी तक, तो बाबर का क्यों आ रहा है? हालांकि वैसे तो देखा जाए तो काफी सारे खिलाड़ियों का बहुत ज्यादा पेट निकला होता है, जैसे रोहित शर्मा हो गए, मैंने तो आज जसप्रीत बुमराह का भी पेट निकला देखा है। तो इस चीज को मेंटेन करना चाहिए, फिटनेस लेवल को मेंटेन रखना चाहिए, बट आई स्टिल बिलीव के बाबर आजम को रन करने होंगे। बाबर रन करेगा तभी पूरा पाकिस्तान खुश होता है, जब बाबर रन करता है बाबर खुद भी बड़ा ज्यादा खुश होता है, और बाबर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है। तो इसी उम्मीद के साथ के बाबर आजम थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए। बट अभी वो जो ट्वीट वाली बात है, विराट कोहली ट्वीट करे बाबर के लिए, वो इतनी नौबत नहीं आई, वो जिसको कहते हैं ना आगे जाके, उस वक्त की बात मैं आपको बताऊं, उस वक्त तक विराट कोहली बहुत बड़ा नाम बन चुका हुआ था, बहुत बड़ा नाम बना, बाबर अभी उतना बड़ा नाम नहीं बना, बाबर को तो भी बनना था, लेकिन बाबर का हर प्लेयर के ऊपर करियर के ऊपर एक बुरा वक्त आता है, वो बाबर के ऊपर चल रहा है। अब इस चीज को बाबर कैसे रिकवर करेगा ये देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान अपने प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करता, बाबर को क्या सपोर्ट मिलेगी ये देखना बड़ा जरूरी है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।